हाय, मैं सिद्धांत, आप मुझे सिड भी बुला सकते हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, या टेक्निकली देखा जाए तो आधे घंटे बाद मेरा बर्थडे है क्योंकि अभी 11:30 बज रहे हैं और 12 बजते ही अगला दिन चालू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये दिन आप मेरे साथ जिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आपको पता है मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि मैं अपने सभी फ्रेंड्स के बर्थडेज की डेट्स को अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ और फिर उनको मोबाइल में रिमाइंडर बनाकर सेट कर देता हूँ और फिर रात को 12 बजे सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स को विश करता हूँ। और ऐसे सरप्राइजिंगली विश करने में जो मज़ा आता है ना, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। खैर, मुझे यकीन है कि मेरे सभी फ्रेंड्स मुझे सबसे पहले विश करने में जुट जाएंगे। सो लेट अस वेट एंड वॉच कि सबसे पहले कौन विश करता है। वैसे आज मेरे मम्मी पापा तो आउट ऑफ स्टेशन हैं, इसीलिए मैं मेरी दीदी का फ़ोन भी पूरे दिन अपने साथ रख सकता हूँ। अरे ये क्या, मैंने खुद के बर्थडे का ही रिमाइंडर डाल दिया। अभी कितना बुद्धू हूँ, डम्बो। चलो सो जाता हूँ, शायद कोई कॉल या मैसेज बाद में आ जाए। खैर, वो तो रिमाइंडर था पर फिर भी मन कहाँ मानता है, इसलिए मैं पता है रात भर उठ उठ कर बार बार मोबाइल की तरफ देखता रहा और बार बार कुछ मैसेजेस डिलीट करता रहा इस उम्मीद में कि जब बहुत सारे मैसेजेस आएंगे तो इनबॉक्स फुल हो जाएगा। खैर, इस वक्त मैं सोना तो नहीं चाहता था पर धीरे धीरे नींद की गहराइयों में मैं खोता गया और आखिरकार मैं सो ही गया। उठो सेठ, सेठ उठो, सेठ उठो, तुम्हारा बर्थडे है, उठो सेठ, जल्दी उठो। दो मिनट, कितना टाइम हो गया, देखो जल्दी उठो, एटलीस्ट तुम्हारा बर्थडे आ, सो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठो, गेट अप। और किस किस के मैसेज और कॉल आए तुम्हें? किसी के नहीं, शायद वो सोच रहे होंगे कि रात को डिस्टर्ब होगा इसलिए शायद सुबह कॉल करेंगे। पूरी रात लाइट चालू थी, कितना बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का? अरे यार दीदी सॉरी, मैं शायद भूल जाऊंगा, मुझे नींद आ रही थी। एनीवे चलो मैं नीचे जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ठीक है। हर बर्थडे पर मैं मंदिर जाया करता था, मंदिर घर के पास ही था, फोन वहाँ बज न जाए इसीलिए मैंने उसे घर पर ही छोड़ दिया। दीदी को बोलकर मैं मंदिर चला गया, फिर भी रास्ते भर मोबाइल की कॉल रिंग मेरे कानों में बजती रही।
मंदिर से लौटते ही मैंने मोबाइल चेक किया, पर स्क्रीन पर केवल गणेश जी का वॉलपेपर था। यह देखकर मैं निराश हो गया। बर्थडे को मैं हॉलिडे का दिन मानता था। दिन अभी बाकी था, इसीलिए उम्मीद भी बाकी थी। दिन को गुजारने के मोटो से मैंने टीवी ऑन की। टीवी पर कार्टून आ रहा था। मेरा उसे देखने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने एक मूवी लगा ली। इसी तरह मूवी देखते देखते शाम हो गई। फिर मैं छत पर चला गया। मोबाइल अब भी मेरे साथ ही था। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक। जी हाँ, इसी अनोखे एवं प्यारे अंदाज में अपने दोस्तों को मैसेज एवं कॉल करके बर्थडे विश करने के लिए हमारे सरप्राइज विश बैग को सब्सक्राइब करें। अभी सब्सक्राइब करने के लिए 5 दबाएं। शिट, ये तो कंपनी का कॉल था। इसे तो अच्छा है मैं नीचे ही चले जाऊँ। फिर मैंने डेली डायरी लिखने की कोशिश की। आज का दिन इतना खास था, पर किसी ने मुझे विश नहीं किया। यह डायरी में लिखना पड़ता, इसीलिए मैं लिखते लिखते रुक गया। रात को खाना खाने के वक्त तक भी मुझे उम्मीद थी, लेकिन मन फिर दुखी हो गया। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं इंतजार करने लगा। नींद आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे आने नहीं दिया, क्योंकि मुझे नींद का नहीं किसी और चीज़ का इंतज़ार था। मैंने मन ही मन सोचा, किसी को याद नहीं रहा मेरा जन्मदिन, क्या मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? दीदी को छोड़कर क्या किसी को याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है? ना मम्मी पापा, ना मेरे फ्रेंड्स, यहाँ तक कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त अक्षता को भी याद नहीं रहा। दीदी को याद था, और उन्होंने भी मुझे विश कहाँ किया। तो क्या मैं पागल था जो सबको सरप्राइज बर्थडे विश किया करता था? अपनी नींद खराब कर आधी रात में मैं लोगों को कॉल्स करता था, पर आज मैंने जान लिया है कि शायद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है उनके लिए। मैं सबकी खुशी का ख्याल रखता था। फाइनली मैं आज ये जान गया हूँ कि मेरा ख्याल रखने वाला यहाँ कोई नहीं है। बारह बज चुके थे। बिना बधाई मिले ही मेरा जन्मदिन खत्म हो चुका था। अब मैं नींद को बुलाना चाहता था, लेकिन बुलाने से कहाँ आती है नींद। आखिरकार परेशान होकर मैं बैठ गया और मोबाइल में एक मैसेज टाइप किया। मुझे यह उम्मीद नहीं थी, और मेरे सभी दोस्तों को उसे भेज दिया। Thank you.
जब मैं सुबह उठा तो मैंने मोबाइल स्क्रीन पर 4 न्यू मैसेजेस रिसीव देखे। उन्हें देखकर